हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश आज महंगाई से परेशान है, सरकार होंठ पर होंठ रखकर बैठी है। पातीपुर से मकबूल अहमद की रिपोर्ट। वैशाली पातीपुर प्रखंड अंतर्गत परडीहा तुर्की पंचायत के वार्ड 1 में रजनीश, यहां पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और राजद पातीपुर प्रखंड अध्यक्ष मकबूल अहमद अंसारी ने राज्य में और देश में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी के खिलाफ डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश आज महंगाई से परेशान है और सत्ता में बैठी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। छात्र बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, किसान और गरीब महंगाई का सामना कर रहे हैं और वे ये कहते हैं हमें फिर से मौका दे। इस इंसान से 5 साल में रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुआ, वो किस आधार पर जनता को गुमराह कर रहे हैं? राज्य में बढ़ती अपराध, बढ़ती बेरोजगारी से जनता पस्त है और सरकार मस्त है। दक्षिण भारत में बढ़ रही कट्टरपंथी को लेकर उन्होंने कहा कि पर्दा महिलाओं के लिए शोभा की चीज है, ये हर धर्म के लिए सम्मान की बात है। आज मैं कार्यक्रम राज्य स्तरीय रविदास जयंती समारोह के लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की पूजा अर्चना आप भी करते हैं, सारा देश करता है। मैं सबसे पहले पहली बार इस कार्यक्रम को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। अभी हमारा कार्यक्रम समस्तीपुर में है, समस्तीपुर के बाद शाम में फिर दरभंगा में। इसी कार्यक्रम के दरमियान मैंने देखा कि नहीं, हमारी सबसे बड़ी आबादी वाला यह क्षेत्र है और सबसे बड़ा आबादी के लोग हैं, तो मैं देखा ये कार्यक्रम मैं 2005 से शुरू किया हूँ, आज 17 साल हो चुका है। ये रविदास चेतना मंच बनाकर हमने लोगों को जगाने का काम किया है, आज वही कृपा है। पहले कोई नाम लेने वाला रविदास जी का नहीं था, आज मैंने हालात आपके बदौलत मैंने हालात पैदा की कि संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती पहले सिर्फ उसी इलाके में मनाया जाता था जिस इलाके में सिर्फ 4 नंबर